वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है हदायत टीवी पे एवरी फ्राइडे की शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लेकर आपको इमिग्रेशन से मुतल्लिका मामलात पर मशवरे देता हूं, एडवाइस करता हूं। अगर आपका कोई मसला है, कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है, या आप किसी मसले किसी प्रॉब्लम का हल चाहते हैं, या आपके पास कोई इमिग्रेशन से मुतल्लिका सवाल है, आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, टेलीफोन नंबर जिसके ऊपर आप फ़ोन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस नंबर के ऊपर आप फ़ोन कर सकते हैं। जब आप फ़ोन करें तो प्लीज़ अपने टीवी की आवाज़ आप थोड़ी सी कम कर दिया करें। काफ़ी सारे कॉलर्स लाइन के ऊपर है, देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हाँ जी, आपसे पूछना था कि ये फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन भेजी है परमिशन लेने के लिए, अपर ट्रिब्यूनल को अपील करने के लिए, एक तो इसमें कितना टाइम लगता है जवाब आते, और इस स्टेज पे भी क्या फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल एक्शन ले सकता है कि डिसीजन को चेंज करके, और होम ऑफिस को बोल सकता है कि डिसीजन अपनी रिव्यू करें। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। असल में फर्स्ट ट्रिब्यूनल के जज ने आपके खिलाफ फैसला किया है, अब आप इसके खिलाफ सिर्फ अपर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं कि जज का फैसला किसी वजह से सही नहीं है। उसमें पहले आप फर्स्ट ट्रिब्यूनल को ही अप्लाई करेंगे कि जी ये जज ने फैसला गलत किया है। अगर फर्स्ट ट्रिब्यूनल का जो सीनियर जज उसको देखेगा, अगर वो कहता है हाँ जज का फैसला गलत है, वो आपको परमिशन दे देगा कि हाँ अभी आपकी जो अपील है उसकी सुनवाई या उसकी हेयरिंग अपर ट्रिब्यूनल में होगी। लेकिन अगर किसी वजह से वो देखेगा जज के ग्राउंड नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देगा, डिसमिस कर देगा। फिर आपके सामने ऑप्शन होगा कि आप डायरेक्टली अगर चाहें तो अपर ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन कर सकेंगे। खुद इस पे अब कोई वो इसके फैसले को रिव्यू नहीं कर सकेंगे, ऐसे नहीं होगा, बल्कि वो आपको परमिशन या तो ग्रांट करेंगे या रिफ्यूज़ करेंगे। अगर ग्रांट हो गई तो इसका मतलब आपको हेयरिंग डेट मिलेगी अपर ट्रिब्यूनल में, अगर रिफ्यूज़ हो गई तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली अपर ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मुझे लगता है शायद ये कॉल किसी वजह से ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, जब भी आप फ़ोन करें प्लीज़ अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दिया करें, ताकि हम आपकी जो आवाज़ है वो बेहतर अंदाज में सुन सकें। अगर आप फ़ोन करते हैं तो आपकी बैकग्राउंड में आपका टीवी खुला रहता है, तो उसकी जो आवाज़ है वो हम तक मिलकर पहुँचती है। आपकी आवाज़ और टी वी की आवाज़ हम अच्छे तरीके से नहीं सुन रहे हैं। कॉल का सिलसिला लेने से पहले नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ कि हमारे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं जो यूरोप से आए हुए हैं UK में, तो मैं पिछले कुछ प्रोग्राम से ये बात तसलसल से कह रहा हूँ, तो आप भी नोट कर लें। अगर आपका कोई दोस्त अहबाब यूरोपियन सिटीज़न है, UK में आकर रह रहा है, तो उनके लिए दो गाइडेंस की बातें हैं, दो रहनमाई की बातें हैं। पहली बात यह कि अगर वो यहाँ पे हैं और काम कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर रेजिडेंट परमिट ले लें। और दूसरा, ऐसे यूरोपियन सिटीज़न जिन्होंने रेजिडेंट परमिट लिया है या नहीं लिया है, अगर वो पिछले 5 साल से UK में काम कर रहे हैं तो वो यहाँ की परमानेंट सुकूनत ले सकते हैं। वो जितना जल्दी हो सके वो भी यहाँ पर ले लें, क्योंकि कुछ ही अर्से में अब रूल्स चेंज होने वाले हैं। एक दफ़ा अगर रूल्स चेंज हो गए, फिर यूरोपियन सिटीज़न को यहाँ पर आज़ादाना काम करने की परमिशन नहीं होगी। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी हाँ जी, मैंने ना आपसे एक सवाल पूछना था। सवाल मेरा थोड़ा सा लंबा है। हमने ना इंडिया जाना लड़की की शादी करने, तो वो जो हमने उसके लिए लड़का देखा, उसकी एक बेटी है जो उसके डिवोर्सी है वो लड़का, लेकिन उसकी बेटी है जो उसके साथ ही रहती है। तो हमें ये पूछना था, लेकिन उसके पास कस्टडी नहीं है, वो क्या उसको कस्टडी पेपर चाहिए, पहला तो ये सवाल है। और दूसरा ये कि हम इस अगर हम अप्लाई करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। आपकी बेटी की तनख्वाह कितनी है? वो तो पूरी, उसकी तो पूरी है 8600। कितनी? 18600। एग्जैक्टली यही है उसकी तनख्वाह। जी हाँ। ठीक जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि अगर तो उस आदमी के पास कोर्ट कस्टडी नहीं है, तो इसका मतलब वो बीवी की इजाज़त के बगैर, या जो उसकी एक्स बीवी है अगर डिवोर्स हो चुकी है, उसकी इजाज़त के बगैर कोर्ट बच्चे को UK में नहीं लाया जा सकता। जब तक माँ ना इजाज़त दे या तब माँ साथ ना आए, तो बच्चे को नहीं लाया जा सकता है। अलबत्त बाद सर्कमस्टांसेस में अगर अदालत उनको कस्टडी दे दे बच्चे की कि हाँ ये आपकी फुल रिस्पांसिबिलिटी है, आपके पास सोल रिस्पांसिबिलिटी है, फिर वो अपने बच्चे को अपने साथ ला सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, वो ये कि अगर कोई आदमी कहे कि होम ऑफिस वालों की रिक्वायरमेंट 18600 को, आदमी कहे जी मेरी 18600 एग्जैक्टली इनकम है, तो इमिग्रेशन वाले बिलीव नहीं करते हैं, कहते हैं ये तो आपने दिखाने के लिए एग्जैक्ट फिगर दिखाया है। दूसरी बात यह कि अगर एक आदमी बच्चे के साथ आ रहा है, तो उसके लिए जो इनकम रिक्वायर्ड है वो 22400 है, न कि 18600। ये 18600 या मिनिमम होता है, इससे ऊपर होनी चाहिए। ये नहीं मतलब कि 18600 या 18650 हो, बल्कि उससे ज़्यादा होनी चाहिए। कॉल का शुक्रिया, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी
सर मैंने सवाल पूछना था, मैंने मैंने वीजा एक्सटेंड करने के लिए भेजा हुआ है और वो चार महीने हो गए हैं और अभी कोई जवाब नहीं आया। आपका क्या वीजा है? मेरे 7 साल के बेस में मुझे 2.5 साल का वीजा मिला था। तो आपने दोबारा अप्लाई किया? दोबारा एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो उन्होंने फी ले ली है? उन्होंने फी भी ले ली है, हमारे बायोमेट्रिक भी हो गए हैं। आपको अगर इतनी ज्यादा जल्दी थी तो आप प्रीमियम सर्विस में क्यों नहीं गए? सॉरी, आपको अगर जल्दी थी तो आप प्रीमियम सर्विस में क्यों नहीं गए? प्रीमियम सर्विस पे आपको मालूम है तो जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि आपने आपका जो वीज़ा था जब आप अप्लाई करना चाहते अप्लाई किया आपने, अगर आप चाहते तो आप सेम डे जाकर भी वीज़ा ले सकते थे, उसकी फ़ी थोड़ी लगती है लेकिन उसी दिन वीज़ा मिल जाता है। दूसरी बात, आप जो कहते हैं कि आपको जवाब नहीं आया, जवाब तो आ गया था कि उन्होंने आपकी फ़ी ले ली, आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, इसमें तकरीबन 4-5 महीने से ज़्यादा टाइम लगता है। अगर 4 महीने हो गए हो सकता है इसमें 1-2 महीना और लग जाएंगे, आप इसका इंतज़ार करें। अगर पहले उन्होंने आपको 2.5 साल का स्टे दिया था तो डेफ़िनेटली आपको 2.5 साल की और परमिशन मिल जाएगी। वैसे भी ये जो होम ऑफिस वाले टाइम लेंगे, ये आपका जो 10 ईयर्स का रूट है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। कॉल का शुक्रिया, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो जी, मैं इरम बात कर रही हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैंने एंटरप्रेन्योर वीज़ा अप्लाई किया था, मुझे मैं आई थी एज अ स्टूडेंट BSW के बाद मैंने बिजनेस वीज़ा अप्लाई किया और अब मुझे 7 ईयर्स हो गए। मेरा जो केस है वो टेस्ट केसेस पे चला गया, वो अपर चवन में चला गया और मेरे अभी तक हेयरिंग की डेट नहीं आई है। तो अगर मैं, क्योंकि मैंने फंडिंग जो थी वो वेंचर कैपिटल किसी और कंपनी ने मुझे फंडिंग की थी तो वो उससे सेटिस्फाई नहीं थी, मेरी अपनी पर्सनल फंडिंग नहीं थी। अगर मैं इसको विड्रॉ करती हूँ और फिर दोबारा अप्लाई करती हूँ तो मेरी टर्म एंड कंडीशन क्या होगी? मुझे अपने जो अकाउंट्स हैं वो बैक होम दिखाने होंगे या UK में दिखाने होंगे? और सेकेंडली, अगर मैं ये मैनेज ना कर पाऊँ, वो अकाउंट अगर ज़्यादा हो तो मैं उसके अलावा क्या चीज़ अप्लाई कर सकती हूँ? इसके बाद अगर कोई मुझे वर्क का स्पॉन्सरशिप देता है या Tier 2 वीज़े के लिए कोई मुझे अप्लाई करता है, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया हुआ है PSW, वो मेरी फील्ड से ही होना चाहिए या कोई भी और फील्ड भी ले सकती? मैं आपका बात समझ गया। असल में आपने अपने जो कार्ड से ये अच्छे तरीके से प्ले नहीं किए हैं। अगर आपके पास PSW था, अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देती हैं आपको वीज़ा लग जाना चाहिए था, इसका मतलब आपने कोई रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं किए, इसी वजह से माफ ने आपका केस रिफ्यूज़ किया है। अब यह है कि आप इस दौरान न्यू अप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं चूँकि आपके पास लीव टू रिमेन नहीं रही है। तो अगर आप किसी और ग्राउंड के ऊपर चेंज करना चाहें तो आप दो टाइम में या तो न्यू अप्लीकेशन करें, न्यू अप्लीकेशन करें तो अप्रूव नहीं होगी क्योंकि आपके पास लीव नहीं है। जब तक अपील चलती तब तक आपको न्यू केस नहीं कर सकते हैं। हाँ, अलबत्त आपको कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस अगर हो रही हो तो जब आपकी हेयरिंग डेट आएगी तो उसमें आप जज को जाकर बता सकते हैं। तो वैसे अगर अपील विड्रा करके न्यू अप्लीकेशन करें तो वो आपकी रिफ्यूज़ हो जाएगी, तो इसमें अपील का राइट भी नहीं मिलेगा। कॉल का शुक्रिया, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, मैं पहले भी फ़ोन किया था, मैंने पूछना था भाई मेरी वाइफ को जो काम से परमिशन निकाल दिया है वो बोलते हैं कि आपके पास वीजा नहीं है, क्या वो परमिशन दे देंगे उनके पूछा जाए तो? जी, आपकी वाइफ को नहीं काम से निकाल सकते हैं, आपकी वाइफ के पास काम की परमिशन है। अगर इस सिलसिले में किसी एम्प्लायर को शक को शुबा हो कि आदमी के पास काम की परमिशन है या नहीं है, वो एक एम्प्लायर चेकिंग सर्विस है होम ऑफिस की, वहाँ से चेक करवा सकते हैं। तो वैसे आप एम्प्लायर को सू कर सकते हैं कि अगर आपके पास काम की इजाज़त थी तो उन्होंने आपको बगैर होम ऑफिस के चेक किए निकाला, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, तो वो अलाउड है काम करने को। कॉल का शुक्रिया, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। जी, मैं पूछना था कि ये जो बच्चे का कानून है 7 साल का, इसका क्या तरीकाकार है कि 7 साल की वजह से बच्चे के हो सकती है जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ हो, या 10 साल का कानून अब हो गया? तो आपका बच्चा कितने साल का है? जी वो 8 साल का है। 12 साल का? नहीं, 8 ईयर्स का। तो यहाँ पे पैदा हुआ था कि बाहर से आया था? नहीं, यहीं पैदा हुआ था। तो आपने एप्लीकेशन की है? जी, एप्लीकेशन की थी लेकिन लोकल में सॉलिसिटर मुझे कहा कि जी कानून चेंज हो गया तो अब वो 10 साल के बेस पे होगा। तो उस एप्लीकेशन का क्या हुआ जो आपने की थी? वो रिफ्यूज हो गई और हम ऑफिस ने कहा जी आप सब वापस जाओ। तो उसको आप आगे कोर्ट में ले गए? अच्छा जी। उन्हें उसको आगे कोर्ट में ले गए कि नहीं ले गए? नहीं, कोर्ट में नहीं लेके गए जी। तो कितना अर्सा आपके एप्लीकेशन रिफ्यूज हुए? तकरीबन 3 माह हुए।
जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपको किसी ने मिस गाइड किया, अगर किसी वजह से आपकी केस रिफ्यूज़ हो गया था तो आपने उसको इमीडिएटली कोर्ट में ले जाना चाहिए था। अगर उसको आगे कोर्ट में नहीं ले गए तो इमिग्रेशन आपको एनी टाइम आकर पकड़ कर वापस भेज देंगे। तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें। 7 साल का आया कि अगर आप अप्लाई करें तो आपको 2.5 साल का स्टे देते हैं। अगर कोई बच्चा यूके में पैदा हो जाए तो अगर 10 साल तक वो यूके में रह जाए तो बच्चा सिर्फ अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। वो अगर बच्चा 10 साल पूरे करेगा उसको अपनी नेशनलिटी मिल जाएगी, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ज़्यादा बेहतर आप किसी वकील से मशवरा कर लें, चूँकि मुझे लगता है कि आपका जो रिफ्यूज़ल के बाद जो कोर्ट में जाने का टाइम था वो भी शायद ख़त्म हो चुका है। किसी वकील से मिलें, उनको सारे पेपर दिखाकर उनसे एडवाइस ले लें। कॉल का शुक्रिया, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हाय सर, मेरा क्वेश्चन टायर वन एंटरप्रेन्योर वीज़े पे है। तो मेरा फ्रेंड है, उसने इंडिया से टायर वन एंटरप्रेन्योर वीज़ा अप्लाई करना है, £50,000 वाला। तो उसके क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या £2,00,000 अगर किसी के पास हो वो उसके ऊपर आ सकता है। अगर आपने इंटरनेट वगैरह पे देखी है तो वो वेबसाइट किसी ने अपडेट नहीं की होगी। कॉल का शुक्रिया, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी जी बात करें, मुझे लगता है कि शायद ये कॉल ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, जब भी आप फ़ोन करें प्लीज़ अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दिया करें। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये पता करना था, 7 ईयर के मेरा बच्चा 7 साल का हो चुका है यहाँ पर, लेकिन वो जब 6 महीने का था तो उस वक्त वो 15 महीने के लिए पाकिस्तान चला गया था, तो क्या मैं उस वो 7 ईयर अब कैटेगरी में आता है या नहीं आता? जी उसमें मेरे ख्याल में नहीं आता है, चूँकि आपके पास वैलिड वीज़ा था उस वक्त जब वो गया कि नया वीज़ा लेकर आए। मुझे लगता है कि आप ऑनलाइन से चले गए। अगर 6 महीने से ज़्यादा गैप हो तो उसको गैप ही माना जाता है जब वो वापस आया। लेकिन इसमें थोड़ी सी आप फाइट कर सकते हैं कि अगर बच्चा जब गया था उसका वीज़ा लगा हुआ था, जब वापस आया उसी वीज़े के अंदर लगा, तो आपका आर्ग्यूएबल केस है। कॉल का शुक्रिया, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम सैयदा जैनब है जी। मैं जी ये पूछना चाह रही हूँ कि हम लोगों के जी हॉलीडे अपार्टमेंट्स हैं लंदन में, तो हम लोग बचपन से लंदन में आते हैं जी छुट्टियाँ गुजारने के लिए समर्स में। ठीक। मेरी बड़ी बहन है जी, जब से हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी जी हाँ, अभी आ रही है। हाँ जी जी, तो मेरी जी बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है, तो अब उन्हें वो विजिटर वीजा नहीं दे रहे, जबकि हम हर समर्स में लंदन आते हैं जी छुट्टियों के लिए, वेकेशंस के लिए। तो कोई ऐसा तरीका है जी कि उनका टूरिस्ट वीजा लग सके, क्योंकि उन्होंने 3-4 बार अप्लाई किया है लेकिन हर बार उनका रिजेक्ट हुआ है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें आप अगर किसी वजह से उन्होंने नाजायज़ रिजेक्ट किया है तो अगर आप चाहें तो इसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो लेकिन ये हो सकता है कि डिटेल में कंप्लेंट कर दें, वो भी आप कर सकते हैं कि शिकायत कर दें कि जी हमारा पहले वीज़ा लगता था, हम इनके खिलाफ़ शिकायत करते हैं कि ये फैसला सही नहीं है। वो आप करके देख लें, तो उसके बाद अगर फिर भी आपको वो वीज़ा नहीं देते हैं तो फिर अगर चाहें तो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। असल में पहले अपील का राइट होता था, बाद में गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। उस वक्त हमारी जो कम्युनिटी है इसने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, तो इस वजह से अब हमसले ऐसी अप्लीकेशन तसलसल के साथ रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो बहरहाल अगर कुछ नहीं होता तो आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो जी फरमाइए, आप बात करें। जी सलाम अलैकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। भाई जान, मैं आपको प्रोग्राम बहुत देर से देख रहा हूँ, काफी देर से आपको जानता भी हूँ, जब बैसम ग्रीन में आपका ऑफिस होता था। एक क्वेश्चन है जी, मेरे भाई हैं वो पाकिस्तान में, उनकी पहले शादी हुई थी तकरीबन आज से 25 साल पहले, और वो वीजा नहीं लगा उनका, और उनके 2 ब्रिटिश बच्चे हैं, और डिवोर्स भी हो चुकी है, और मैं चाहता हूँ उनको मैं यहाँ पे सेटल करूँ किसी तरीके से लाके, तो कुछ एडवाइस दे सकते हो? तो उनकी वाइफ ब्रिटिश थी। उनकी वाइफ तो ब्रिटिश थी लेकिन डिवोर्स हो गई है, सेपरेशन हो गई है। अब बच्चों के साथ नहीं रह रहे हैं? बच्चों के साथ उनकी मदर है, लेकिन जो मेरे भाई वो सिर्फ पाकिस्तान में, अभी तक आए नहीं यूके के अंदर। तो बच्चे उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, ये काफ़ी मुश्किल है, उसमें एक रूट है लेकिन उसमें शो करना पड़ता है कि अगर बाप यहाँ पे आता है अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट कैसे करेगा, थर्ड पार्टी सपोर्ट वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उनके नाम अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह हो,
जिससे कि उनको किराया आना शुरू हो जाए, तो इस तरह की कोई चीज़ हो जिसे वो एस्टेब्लिश कर सकें कि अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट कर सकेंगे, एक दूसरी फार ये कि फिर बच्चों की एक होती है एक्सेस, वो अप्लाई करें, वो पाकिस्तान से भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो एक्सेस उनको मिल जाती है और अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट कर सकते हैं फिर ऐसी सूरत में आ सकते हैं। कॉल का शुक्रिया, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सर दोबारा कॉल कर रहा हूँ। सर वो वेबसाइट पे तो शो कर रहा है इंटरप्रेन्योर ऑप्शन वीजे की 50,000 pounds एंड 2 lakh pounds, आप प्लीज थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में? थैंक यू सर। जी मैंने आपको बता दिया वो 2 lakh वाला ही है, तो अगर किसी ने इंडिया से या किसी और जगह से आना है तो उनसे 2 lakh pounds हो तो उसकी बेस पे आ सकते हैं। कॉल का शुक्रिया, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पूछना था कि मैं यहाँ तकरीबन 11 साल हो गया मुझे, मैं स्टूडेंट वीजे पे आया था लेकिन अब मैं ओवरस्टेयर हो चुका हूँ, तो फादर लीव टू रिमेन के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली हुई थी जो कि रिफ्यूज हो चुकी है, और फिर उन्होंने मुझे पील का राइट भी था कुछ ऑब्जेक्शन के साथ, वो भी अब रिफ्यूज हो गया, तो क्या कोई मेरे यहाँ कुछ चांसेस बनते हैं रहने के फर्दर? कितना ऐसा हो गया आपको? मुझे 11 साल हो गए जी। कितने साल? 11 years। तो अभी आपका केस कहाँ पे है? केस कुछ भी नहीं है, सिर्फ होम ऑफिस को दिया था एप्लीकेशन के साथ और फीस रखते कि उसके बाद में वापस कर दिया जी कि आप यहाँ के लें और आप जो नहीं स्टे नहीं बनता वापस जाए। नहीं नहीं, होम ऑफिस ने या तो हाँ या ना में डिसीजन किया होगा, उनका फैसला क्या था? उनका फैसला ये था कि जी आप यहाँ नहीं रह सकते। आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी थी जी। जी उसको आप आगे कोर्ट में ले गए थे? हाँ जी कोर्ट में ले गए थे और उस कोर्ट में रिफ्यूज हो गए थे, उन्होंने मुझे साइन इन पर बुला लिया जी। आपकी काफ़ी शुक्रिया, आप किसी वकील से मिलकर मशवरा कर लें, चूंकि आप पूरी बात बता नहीं रहे हैं कि आपके साथ हुआ क्या था, चूंकि अगर आपने कोई एप्लीकेशन की थी और रिफ्यूज़ हो गई थी फिर आप कोर्ट में गए थे, आगे एक कोर्ट होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, उनका क्या फैसला हुए थे तो ये आप किसी वकील को दिखाकर सारे पेपर उनसे एडवाइस ले लें। कॉल का शुक्रिया, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ जी। सर मेरा एक केस था टोएक रिलेटेड केस था जिसमें मैंने आगे लाइफ इन यूके मतलब सेटल ये दिखाया था, तो आज मेरी हेयरिंग थी, मेरा टोएक तो क्लियर हो गया लेकिन मेरी बेटी यहाँ पे उसको 7 साल कल हो रहे हैं लेकिन आज हेयरिंग थी, तो वो एक दिन का हमें कुछ देंगे? नहीं जी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं उसमें असल में दो चीज़ें हैं, पहली बात यह कि जो 7 साल का कानून बना था इसमें ये बात खसूसियत के साथ लिखी है कि जो आदमी इस कानून से इस्तफादा उठाना चाहें या इसे बेनिफिट्स लेना चाहें वो 7 साल पूरे होने के बाद ही एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये बात कानून में लिखी है, इसका मतलब 7 साल की बेस पे आपने एप्लीकेशन ही नहीं की थी, तो लिहाजा आपकी वो चूँकि एप्लीकेशन ही नहीं की थी लिहाजा 7 साल की बुनियाद पे जज आपको स्टे भी नहीं दे सकता है और 7 साल आपने पूरे भी नहीं किए हैं, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि जज आपके ह्यूमन राइट्स देखते वक्त आपको स्टे दे दे, चूँकि बाद बच्चों को 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं फिर भी बाद जजेज उनको ह्यूमन राइट्स के देखते हुए उनको यहाँ पर परमिशन रहने की दे देते हैं, तो आप देख लें कि अगर ये डिसीजन अब 2-3 वीक में इसका फैसला आ जाएगा अगर आपके खिलाफ आ जाता है तो अगर आप 7 साल की बुनियाद पर नई एप्लीकेशन कर दें बजाय इसको आगे ले जाने के। कॉल का शुक्रिया, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ लेकिन मेरे वाइफ के पास जो है स्पाउस डिपेंडेंट वीजा है जो कि उनको 3 साल के लिए इशू है, ठीक। तो जॉब मूव होने की वजह से हम आयरलैंड आ गए थे पिछले 8 महीने से, तो अब जो जॉब ट्रांसफर हो रही है वापस यूके, तो क्या उनको दोबारा वीजा अप्लाई करना है या उसी पर? अभी वो कहाँ पे हैं? अभी आयरलैंड में। तो वीजा कहाँ से उनको लगा था? यूके का डिपेंडेंट वीजा। तो आपके साथ लगा था? जी जी बिल्कुल। तो फिर आप आयरलैंड? फिर मेरी जॉब मूव होगी, मैं आयरलैंड मूव हो गया, वहाँ का वीजा लगा। अच्छा, वो जो टेम्परेरी होता है क्योंकि जॉब टेम्परेरी मूवमेंट थी, तो अभी वो वीजा जो डिपेंडेंट वीजा वो वैलिड है वो 3 साल के लिए, तो अब दोबारा उनको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा या? जी आपकी काल का शुक्रिया। नहीं उनको दोबारा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उसी वीजे पे आ सकते हैं, लेकिन उनको यूके में इनडेफिनिट स्टे के लिए 5 साल पूरे करने होंगे, तो इसका मतलब है जब ये वीजा खत्म होगा तो आपको फर्दर एक्सटेंशन करना पड़ेगी, जब उनको 5 साल यूके में काम करते वक्त या रहते वक्त आपके साथ पूरे हो जाएंगे तो फिर वो यहाँ इनडेफिनिट स्टे के लिए एप्लीकेशन कर सकेंगे। काल का शुक्रिया, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मुझे लगता है कि शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं सर ने पता करना कि ऑलमोस्ट 7 years की बेस पे अप्लाई किया हुआ था और तकरीबन 6 months होने वाले हैं,
तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया, तो आप बता सकते हैं कितना टाइम लेते हैं नॉर्मली ये? जवाब तो बात नहीं पॉसिबल, आपको एक्नॉलेजमेंट आ गई थी? जी जी जी, वो तो 12 मार्च को हो गए थे बायोमेट्रिक। तो फिर कैसे जवाब? तो यही होता है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपका असल में जवाब तो यही होता है कि आपने अप्लाई किया, आपको एक्नॉलेजमेंट आ गया, इसका मतलब जवाब तो आ गया, अब सिर्फ आपका फैसला होना बाकी है। इसमें 4-5 महीने या 5-6 महीने लग सकते हैं, तो वो शायद आपका क्यू में होगा, तो और शायद 1-2 महीने में उसका फैसला कर देंगे। तो आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं, अप्लीकेशन आपकी की है बायोमेट्रिक से, अभी जैसे इंतजार करें कब तक आपका फैसला आता है। चूँकि जुलाई और अगस्त में आमतौर पर जो यहाँ के गोरे हैं वो छुट्टियों के ऊपर चले जाते हैं, तो यही वजह के दफ्तर में आजकल काम ज़्यादा नहीं होता इन 2 महीनों में। तो वेट करें, शायद मुझे लगता है कि फ्यू वीक्स में आपका फैसला हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया, बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था, ये जो असली मैंने विजिट पे आया था, फिर मेरा वीज़ा लग गया यहाँ पे, मैंने वो मेरा ब्रिटिश बेटा है उसके बेस पे मेरा वीज़ा लगा है, तो अभी मैंने सुना है कि ये कोई लॉ बना रहे हैं कि जो आपको जो ब्रिटिश बच्चों के बेस पे जिनको वीज़ा मिला है वो उनको अगला वीज़े एक्सटेंशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस बारे में पूछना था। आपको क्या 2.5 साल का वीज़ा मिला है? जी 2.5 साल का। जी आपकी कॉल का शुक्रिया, नहीं आपको कोई असरअंदाज इस पर नहीं होगा, तो ये वैसे भी ह्यूमन राइट्स में आता था, इसकी बुनियाद पे उन्होंने आपको यहाँ पे वीज़ा दे दिया। एक दफ़ा आप उस रूट के ऊपर आ गए तो इसका मतलब है आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कानून ऐसा एक प्रपोजल चल रही है ह्यूमन राइट्स को खात्मे के सिलसिले में, तो देखते हैं जब वो कानून बनेगा, लेकिन आपके ऊपर वीज़ा एक्सटेंशन में कोई परेशानी नहीं होगी, चूँकि आपको ऑलरेडी वीज़ा मिल चुका है, एक ट्रेन में आप बैठ चुके हैं। कॉल का शुक्रिया, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भजन मेरे एक दोस्त हैं, तो वो स्टूडेंट वीज़े पे आए थे, ठीक, तो उनको 7 साल हो गए हैं इस कंट्री में, तो अब वो शादी करना चाहते हैं, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि उनकी शादी हो सकती है जिनसे उन्होंने शादी करनी है स्पाउस से, तो उसका 3 साल का बच्चा भी है, तो उनका वीज़ा अभी तक है आपके फ्रेंड का? वीज़ा उनको एक्सपायर हुआ, 3 साल हो गए हैं। जी आपकी काल का शुक्रिया, नहीं उनके चांसेस मुझे यहाँ से बहुत ही कम ना होने के बराबर हैं, क्योंकि जो आदमी शादी के बेस पे अप्लाई करे उसमें पहली शर्त यह होती है कि उसके पास लीव टू रिमेन होनी चाहिए, तो अगर उनके पास लीव टू रिमेन नहीं है तो अप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जिनके साथ उनकी शादी हो रही है उनके आगे से बच्चा भी एक भी है, मुझे लगता है वो बेनिफिट्स के ऊपर भी होंगे, तो बहरहाल आप अपने किसी वकील से या किसी वकील से जाकर मिलें, उनको सारी बात बताकर उनसे एडवाइस ले लें। काल का शुक्रिया, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर बात करूँ जी, मेरी थोड़ी सी है कि मैं स्पोर्ट्स वीज़े में 2012 में आया था, मैं अपनी वाइफ के साथ दो रहा 2.5 साल, और एक्सटेंशन हुई मेरी, उसमें मैंने रीज़न लिखा कि मैं यूके लाइफ टेस्ट मैंने पास नहीं किया, ठीक है जी, और 2 साल के बाद मेरी वो तलाक नहीं हुई, वाइफ से अलगी होगी, सेपरेशन होगी, मेरे बच्चे नहीं हैं, और अब जो है मेरा वीज़ा ख़त्म होना है, क्या मैं अपनी वाइफ के बगैर भी इसको आगे कर सकता हूँ? आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है? नहीं, ख़त्म होने वाला है। आपका वीज़ा कब ख़त्म होने वाला है? तकरीबन 4-5 महीने बाद। तो ये आपको पहला ही वीज़ा है या कि दूसरा वीज़ा लिया था आपने? सॉरी, ये पहले वाला वीज़ा ही है? नहीं, दूसरे वाला, एक्सटेंशन वाला। तो आप यूके में कब एंटर हुए थे? मैं 2012 में। तकरीबन मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपकी किस्मत ख़राब है, प्रॉब्लम यही है कि आपने जुलाई 2012 से पहले आए थे, तो आप वो 2 साल के रूट के ऊपर थे, जो ही आपको इंडेफिनिट, आपको 2 साल पूरे होते थे, उससे 1 महीना पहले भी आप अप्लाई करके इंडेफिनिट स्टे ले सकते थे, वो आपने नहीं लिया, तो फिर इस दौरान आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब बराबर आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस या कंपेशनल सर्कमस्टांसिस के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको रूल्स कवर नहीं करते हैं, वो होम ऑफिस की मर्ज़ी पर आपको वीज़ा दें या ना दें, तो बराबर आप अप्लीकेशन कर दें जो आपके मेरिट्स हैं, अगर काम कर रहे हैं, बेनिफिट कोई नहीं रह रहे हैं, शादी ख़त्म होने में आपकी गलती नहीं थी, ये सारे पॉइंट उठाकर अप्लाई होम ऑफिस को कर दें, तो देखें वो क्या जवाब देते हैं, उनकी मर्जी पे आता है। कॉल का शुक्रिया, देखते हैं हमारी अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि टॉय के केस कब तक क्लियर होंगे सर? थैंक यू। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। ये असल में एक लड़ाई चल रही है केसेस के, तो अभी वो कोर्ट ऑफ अपील तक पहुंची है, तो इसमें अभी फ्यू ईयर्स मेरे अपने ख्याल में और लग जाएंगे, क्योंकि अभी कोर्ट ऑफ अपील में थोड़ी टाइम लग जाएगा, वहाँ से जिस पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसला होता है, होम ऑफिस के ख़िलाफ़ होता है या स्टूडेंट्स जो मुतासरीन हैं इनके ख़िलाफ़ होता है, वो उसको आगे सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली जाएंगे, तो मेरे अपने ख्याल में इसमें 2-2.5 साल 3 साल इसमें और लग जाएंगे। कॉल का शुक्रिया, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। तो हेलो जी, फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल से परमिशन को आने में कितना टाइम लगता है प्लीज़? आपने कब अप्लाई किया था?
अप्लाई तो किया है 2 दिन पहले। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें फ्यू वीक्स लगते हैं। अब एक जब आप फॉर्म कंप्लीट करेंगे, एक जज के पास जाएगा, जज इसके ऊपर फैसला करेगा। उसमें 2 वीक भी लग सकते हैं, 10 डेज भी लग सकते हैं, 5-6 वीक भी लग सकते हैं। तो समझे 2-3 वीक में आमतौर पर जवाब आ जाता है। कॉल का शुक्रिया नाज़रीन। इसके साथ ही टाइम हुआ एक ब्रेक का, आप टीवी देखते रहिएगा, ब्रेक के उस पार आपसे फिर मिलते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक से पहले ख़त्म हुआ था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, बात करें जी। सलामुअलैकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम मलिक साहब। मैंने सेटलमेंट वीज़े के बारे में पूछना था। मेरी वाइफ जब इधर आए थे तो उनका वीज़ा जब ख़त्म होने वाला था, हमने एक इंग्लिश का टेस्ट पास किया था उसने, तो हमने अप्लाई किया तो हमें वीज़ा मिल गया। अभी उनका वीज़ा अगले साल अप्रैल में ख़त्म होना है, तो हमने 2 दफ़ा ट्राई कर ली है वो यूकेलेक टेस्ट की, तो लेकिन हम कामयाब नहीं हुए उसमें। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो पहला टेस्ट पास किया उस बेस पे हम दोबारा फिर वीज़ा ले सकते हैं। आपकी वाइफ यूके में कब आई थी? वो तकरीबन 2-3 साल पहले आई थी। तो सर उनके वो तो नए रूल के तहत होंगे। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि लाइफ इन यूके टेस्ट की अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तब उनको ज़रूरत पड़ेगी जब वो 5 साल यूके में पूरे कर लेंगी, तो उस वक्त जब इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त लाइफ इन यूके टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अलबत्त इंग्लिश टेस्ट की उनको अभी ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा बेहतर है आप होम ऑफिस से चेक कर लें और B2 वो कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या इंग्लिश टेस्ट पास कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो सलामकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं काशिफ बोल रहा हूँ। जी काशिफ साहब। जी सर, मुझे आपसे बात करनी थी जी कि मेरी सिस्टर और मदर का वीज़ा अमेरिका से अप्लाई हुआ है। अच्छा। और उनका अप्रूवल हो गया है, तो मैं उनको इधर सेटल करना चाह रहा हूँ, तो उसका क्या क्या तरीकेकार है? तो आपकी वालदा की कितनी एज है? सर उनकी मोर देन 65। तो उनकी नेशनलिटी क्या है? पाकिस्तान। तो अमेरिका में उनके पास कौन सा वीज़ा था? सर अमेरिका में विजिट। तो अमेरिका से आपने अप्लाई किया जब वो विजिट गई हुई थी? जी जी जी। आपकी कॉल का शुक्रिया। आप किसी वकील से मशवरा कर लें, चूँकि आमतौर पर जो विजिटर अमेरिका में जाते हैं उनको ब्रिटिश एम्बेसी यूके का वीज़ा वहाँ से नहीं देती है। जैसे कोई आदमी विजिट वीज़े के ऊपर यूके में आ जाए, वो अगर अमेरिका जाना लगे तो उसको यहाँ से विजिटर वीज़ा नहीं देते, ऐसा कानून नहीं होता है। तो बार आप किसी वकील से चेक कर लें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड के पास रिफ्यूजी स्टेटस है, मैं उनके डिपेंडेंट हूँ, तो क्या मैं अपने मुल्क ट्रैवल कर सकती हूँ? और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड ने ये बोला था कि मुझे मेरी फैमिली को खतरा है, तो ये मुझसे इफेक्ट नहीं होगा? कोई मसला तो नहीं होगा? मैंने आपको क्या एडवाइस की थी? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने पिछले वीक में फ़ोन किया था, मैं आपको यही कहा था कि आप किसी वकील के पास चल जाएं, उनको जाकर स्टिकर दिखाएं कि उस स्टिकर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो वो फिर आपको एडवाइस कर देंगे कि आपका क्या मसला है। दूसरी बात ये है कि डिपेंड है आपके सर्कमस्टांसिस पे। फ़र्ज़ करें आपके हस्बैंड कहीं और से आए थे, आप कहीं और से आए थे, या उनको यहाँ आने के बाद आपको यहाँ से अप्लाई किया है, पहले आपका कोई और वीज़ा था। अगर आपने अपना कोई प्रॉब्लम का मसला नहीं उठाया हुआ है, जो कि आपको वकील ही आपके सारे सर्कमस्टांसिस सुनकर बता सकता है, फिर आप ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन अगर उनके साथ एज ए डिपेंडेंट आपने रिफ्यूजी स्टेटस अप्लाई किया था, जो कि आपको दोनों को मिला, तो फिर ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। तो ज़्यादा बेहतर आप अपने वकील से, किसी वकील से जाकर मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, मुझे सर ये पूछना है आपसे कि मेरा PSW 2013 में था, मैं काम करती रही, मैं फिर मुझे अभी तक 7 साल यूके में हो गए, पर मैंने 5 साल तक PSW के जो अप्लाई पहले होता था मास्टर्स के बाद, या PSW करें उसके बाद आपको एक्सटेंशन मिलेगी, या 5 साल काम करेंगे, पर वो लॉस चेंज हो गए। पर इस दौरान पर मैं 5 साल तक काम करती हूँ, मैंने दूसरा केस भी डाला हुआ है जो चल रहा है, जो उसकी अपील चल रही है, वो केस खत्म नहीं हो रहा, पर मैं स्टिल कंटिन्यूसली काम कर यहाँ पर मैंने किया है, टैक्स दिए हैं, कोई बेनिफिट नहीं लिया। कोई ऐसा केस निकलता है कि आगे मैं कोई और एप्लीकेशन, अगर ये एप्लीकेशन खत्म हो जाती है, मैं कोई और एप्लीकेशन, सुटेबल एप्लीकेशन डाल सकूं? प्लीज मुझे इसका जवाब दीजिए। थैंक यू जी। आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि PSW 5 साल का कभी नहीं था, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, तो वो तो 2 साल का ही होता था, तो उसके बाद शायद आपको वर्क परमिट इशू हुआ हो, वो फिर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं। तो आप किसी वकील को जाकर मिलें, उनको सारी बात बताएं, तो वो आपकी बात सुनकर आपको एडवाइस कर सकेंगे। प्लस ये भी उनको बताएं आपका जो इस वक्त केस चल रहा है वो अपील किस चीज़ की कर रही है, आपने क्या अप्लीकेशन की थी, क्यों रिफ्यूज़ हुई थी, सारे सर्कमस्टांसेस देखकर आपको एडवाइस करेंगे। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए।
السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب میرا کوشچن ہیومن رائٹس کے متعلق ہے. میں نے سنا ہے کہ ہیومن رائٹس کا جو قانون ہے یہ اس کو یعنی کہ ختم کر رہے ہیں, تو اگر تو ایسا ہے تو ایسا نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر ایسا ہے تو کتنے عرصے تک اس قانون کو یہ ختم کر دیں گے, یعنی کہ کتنے سال, دو سال, تین سال, کتنا عرصہ؟ اور دوسرا یہ ملک صاحب کہ لیگسی کے چانسز کہاں تک ہیں, یعنی کہ 2006 کے بعد سے لیگسی اگر نکلتی ہے تو پھر یہ کہاں سے سٹارٹ ہوگی, کہاں پہ اس کا اینڈ ہوگا, یہ پلیز مجھے بتا دیں. جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ یہ گورنمنٹ جب سے برسر اقدار آئی ہے تو ان کی پوری کوشش تھی کہ ہیومن رائٹس کا خاتمہ کیا جائے کسی وجہ سے. تو پچھلے سال 2015 میں انہوں نے اس کو کوئین کی جو تقریر ہوتی ہے مئی میں اس میں شامل کیا تھا, لیکن انہوں نے کسی وجہ سے آخری میں نکال دیا تھا. لیکن اس دفعہ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ جی ہاں ہم ہیومن رائٹس کو ختم کر دیں گے اس سال کے دوران, اس کا امیگرانٹس پہ اطلاق نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس کے بعد پھر گورنمنٹ خود چلی گئی. تو ابھی پچھلے دنوں ایک منسٹر کا بیان آیا تھا نہیں جی ہماری انٹینشن سٹل وہ ہے. تو اس میں کافی ساری اگر ہماری کمیونٹی یا کوئی بھی کمیونٹی اگر اس پہ احتجاج نہیں کرتی ہے تو پھر تو گورنمنٹ جو قانون چاہے قانون ہو لیگل ہو یا نہ ہو, جائز ہو یا ناجائز ہو, وہ تو بنا لے گی. ویسے ہیومن رائٹس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹس انسانی حقوق کا, اس کا اطلاق انسانوں پہ ہی نہیں, انسانوں پہ ہی ہوتا ہے, جانوروں پہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اگر ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو اس کے خلاف اگر آپ لوگوں نے احتجاج کیا تو پھر تو اس کو ختم نہیں کریں گے, لیکن آپ لوگ اگر گھروں میں بیٹھے رہے تو دیکھتے رہے کہ جی باقی لوگ احتجاج کریں گے تو پھر تو یہ کچھ نہیں ہوگا. چونکہ ہماری جو ہماری کمیونٹی کا یہی مسئلہ ہے کہ جی ہم تو گھر میں بیٹھے رہیں, دوسرے اس کے خلاف جا کر احتجاج کریں, دوسرے بھی یہی سوچتے رہیں کہ ہم بیٹھے رہیں کوئی اور جا کر احتجاج کریں, تو اس کا رزلٹ یہی نکل رہا ہے کہ اب تک اپیل کا سارے رائٹس ختم ہو چکے ہیں, اتنی سختی ہو گئی ہے. تو ہیومن رائٹس بہرحال گورنمنٹ کی انٹینشن ہے اس کو ختم کرنے کی, تو ابھی سلسلے میں انہوں نے کوئی لائحہ عمل طے نہیں کیا ہوا. دوسری بات جہاں تک رہا ایمنسٹی کا, کافی عرصے سے بات چل رہی ہے, 2011-12 میں یہ ایکسپیکٹڈ تھی کہ ایمنسٹی نکلے. تو دیکھتے ہیں ابھی یورپین سٹیزن جو یہاں پہ ہیں 30 لاکھ کے لگ بھگ ہیں, ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں ان دا فیو منتھس کے اندر, تو اس وقت شاید کنسیڈر کریں گے. تو ہمارے جو لوگ ہیں میرے اپنے خیال میں یہ ایک 1.2 ملین کے لگ بھگ ہیں جو ان کے پاس کسی قسم کا بھی کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, جن کے کیسز چل رہے ہیں, ان کے بارے میں شاید کوئی فیصلہ کریں. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں 2011 میں آئی تھی, میں نے اب اسائلم کیا ہے 2 سال پہلے, لیکن وہ ریفیوز ہو گیا ہے. اور لیکن میں نے اس کے بعد کوئی اپلیکیشن وغیرہ نہیں کی. میری ایک بیٹی پہ یہاں پہ پیدا ہوئی اور ایک بیٹا میرا یہاں پہ پڑھ رہا ہے, 5 سال, 6th سال سٹارٹ ہو گیا ہے. اور اب انہوں نے مجھ سے میری تصویریں منگوائی ہیں اور میرے بچوں کی منگوائی ہیں, اور مجھے کہا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن کے لیے بھی لیٹر بھیجا ہے, 2 لیٹر الگ الگ آئے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جی جی میرے ہسبینڈ بھی ہیں, میرے ڈیپینڈنٹ ہیں, تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کس لیے مجھ سے تصویریں مانگ رہے ہیں. جی آپ کا شکریہ. اصل میں وہ تصویریں آپ کا ٹریول ڈاکیومنٹ بنوانے کے لیے کی ہیں. اتنے مہربان آپ پہ نہیں ہیں کہ آپ کو تصویریں لے کر کے پاکستانی ہائی کمیشن میں لیٹر دے دیں. وہ پاکستانی ہائی کمیشن انہیں کو بھیجتے ہیں جن کو واپس بھیجنے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر آپ بچے کے ساتھ کسی طریقے سے 7 سال پورے کر لیتی ہیں تو پھر آپ کو یہاں پہ رہنے کا حق مل جائے گا. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھ سے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں یہاں پر 2004 میں آئی تھی اور میرا پھر اسٹوڈنٹ ویزا چلتا رہا, لیکن یوز ہو گیا اور میں سب ملے, میں نے ساری اپنی, اور لیکن وہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتی تھی, 2004 میں پھر میرے جو ہے ورک پرمٹ سی ایس ڈبلیو وہ ریسیو ہو گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جناب جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے اس ڈگری کو ایشو کرنے کا, بٹ ایسا نہیں تھا کیونکہ انہوں نے اس میں ویزے دیے ہیں اور کورٹ سے بھی ویزے اپروو ہوئے ہیں. آپ اکیلی ہیں؟ آپ کے ساتھ فیملی بھی ہے؟ اکیلی ہوں. ابھی آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ پھر وہ جو آپ سپریم کورٹ تک جا کے بنا ہو گیا, حالانکہ سپریم کورٹ سے اور بھی کیس میرے ہی کلاس میں اس سے اپروو ہوئے ہیں, الاؤ ہوئے ہیں, لیکن میرا منع ہو گیا. تو اب پھر میں نے ہیومن رائٹس پہ ڈالا ایف ایل آر او کر دیا کہ نہ آپ کو 20 سال نہیں ہوئے, یہ منع کر دیا. ابھی آپ کی سچویشن کیا, ابھی آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ بس ہیومن رائٹس کی چل رہی تھی نا, اس کے بعد میں منع کیا تو میرے بیسٹ فرینڈ نے کہا کہ نہیں, جو کیونکہ یہ انوسینٹ ہے, کیونکہ اس غلطی نہیں. ابھی آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ اپیل کا رائٹ سے کہا ہے. اپیل چل رہی ہے آپ کی؟ اپیل کا رائٹ مانگنے کے لیے ہم سے کہا ہے
رائٹ مانگا ہم سے. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں اپیل کا رائٹ اس میں نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ جب اپلیکیشن کریں تو آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں ملے گا. تو یہ آپ کو کوئی مس گائیڈ کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ اپیل کا رائٹ آپ کو ملے گا, وہ نہیں ملے گا. لیکن آپ کی اگر اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی تھی اس میں 3 مہینے سے کم عرصہ ہے, تو آپ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتی ہیں. تو وہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرے اگر 3 مہینے سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. میں نے اپنی ایل آئی آر کے بارے میں بات کرنی تھی. میں نے لانگ ریزیڈینسی 10 ایئر لانگ ریزیڈینسی پہ جو ہے میں نے اپلیکیشن سبمٹ کری تھی جنوری میں, تو وہ لاسٹ منتھ میں جو ہے نا تقریباً 29 اگست کو جو ہے نا میں ریفیوز ہوئی ہے. تو انہوں نے ریزن یہ دیا ہے کہ آپ نے 2010 سے لے کے 2012 تک جتنی بھی آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہوئی تھی وہ ریفیوز ہوئی تھی. جو لاسٹ آپ کی اپلیکیشن سکسیسفل ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 458 ڈیز کے جو ہے نا گیپ کے بعد. تو لہٰذا جو ہے نا نہ ہم آپ کے اوپر ڈسکریشنری لیو کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم آپ کا جو ہے نا 10 ایئرس کا جو ہے نا لافل ریزیڈینسی پرو کرتے ہیں. دراصل میں نے بتانا تھا کہ جب لاسٹ دفعہ انہوں نے مجھے پی ایس ڈبلیو دیا تھا تو ہم نے ان کا ڈیسیجن جو ہے نا چیلنج کیا تھا کورٹ میں, مگر انہوں نے جو ہے نا پری پروٹوکول پہ ہی جو ہے نا مجھے انہوں نے پی ایس ڈبلیو دے دیا تھا. اور انہوں نے ریفیوزل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایکسپشنل بیسس پہ ہم نے آپ کو پی ایس ڈبلیو دیا تھا. آپ کو یہ نہیں کیا تھا کہ ہم نے آپ کی جو ہے نا پی سی میں جتنی بھی اپلیکیشنیں تھیں وہ ہم نے مانی تھی کہ وہ ہم نے غلط ریفیوز کی ہیں. مگر جو میں نے آپ کی ویب سائٹس پہ کیس دیکھے ہیں اور جو میرے ریفیوزل ہیں تو وہ اس سے حساب سے تو انہوں نے میری تمام اپلیکیشنیں جو ہے نا وہ ان لافل ریفیوز کی تھیں. تو ابھی میں نے اپیل کرنی ہے تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا جج میری ہسٹری دیکھے گا, اور اگر کوئی ایسا انہوں نے ڈیسیجن جو میرے خلاف کیا ہے یعنی کہ جو قانون کے مطابق نہیں ہے تو اس کو وہ جو ختم کرے گا اور اس کے بعد وہ میری کنٹینیو ہوگی یا جج نے دیا ہے. جی ہاں جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ اپیل کر دیں, اصل میں ہوم آفس نے آپ کے خلاف یہ اچھے طریقے سے اس کو ڈرافٹ کر کے بھجوا دیں. تو واقعی ہوم آفس کی غلطی تھی کہ انہوں نے غیر قانونی فیصلے کیے تھے. جب ان کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم اس کو کورٹ میں لے جا رہے ہیں, اس وقت انہوں نے اپنے غیر قانونی فیصلے کو ریویو کر کے آپ کو ویزا دے دیا. تو یہ ایک چیز آپ کے حق میں جاتی ہے. تو بہرحال آپ اس کے خلاف اپیل کر دیں تو اپیل اس کی پھر کورٹ میں جائے گی, آپ کو ہیئرنگ میں بلائیں گے, جج ساری بات سن کے آپ کے کیس کا فیصلہ کرے گا. اگر کسی وجہ سے نہ بھی ہوا تو اس کو آپ آگے کیس کو بڑھاتے رہے, آپ کا کافی سٹرانگ کیس ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ میری امی پہلے 2 دفعہ یہاں آئی ہوئی ہیں اور ابھی میرے بھائی کا لیور ٹرانسپلانٹ تھا تو ہم نے اپلائی کیا تھا, تو جب اپلائی کی تو انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ اس بیسس پہ کیا ہم نے پاکستان میں ان کے نا جیسے ان کو یہ تھا کہ یا وہ یہاں آئیں گی تو وہ واپس نہیں شاید جائیں گی. تو اب ہم دوبارہ اور انہوں نے اپیل کا حق بھی نہیں دیا, یعنی ہم نے پاکستان میں ان کو سیٹسفائی نہیں کیا. ایج کتنی ہے آپ کی ممی کی؟ میری امی کی 75. تو پہلے کب ادھر آئی ہیں؟ 3 سال پہلے آئی تھی. ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں وہ مسئلے ایسے غیر قانونی فیصلے کر رہے ہیں آج کل, پیرنٹس کی اپلیکیشن خاص طور پہ وہ ریفیوز کر رہے ہیں. تو میں نے پہلے بھی 2-3 یہی پروگرامز میں بھی یہی بات بتائی تھی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ خاموش ہیں, آپ لوگ اٹھ نہیں رہے ہیں. آپ سمجھتی ہوں گی کہ کوئی اور جائے تو پارلیمنٹ کے سامنے کھڑا ہو کر نعرہ لگائے یا احتجاج کرے, اور سوچ رہے ہیں کہ آپ جائیں. تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کوئی ایک بھی آپ میں سے اٹھ کے پروسیس میں جا نہیں رہا ہے. اگر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں اور جا کر پروٹیسٹ کریں گے, کم از کم ہمیں اپیل کا رائٹ ملنا چاہیے, تو یہ کام کرے گا. لیکن اس کے لیے 200-300-400-500 آدمی چاہیے جو پارلیمنٹ کے سامنے جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پوری کمیونٹی میں سے ایک آدمی بھی تیار نہیں ہے اٹھنے کو, ایک آدمی بھی لٹریری کوئی ایک بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے, چونکہ ہر سمجھتا ہے کہ کوئی اور آگے کرے تو اور آگے کوئی جائے گا نہیں. تو ہم اصل اسی طرح اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کے گھر بیٹھنے سے. تو بہرحال ابھی آپ ایم پی کو انوالو کر سکتی ہیں یا اس کو ہائی کورٹ میں لے جا سکتی ہیں, لیکن دونوں صورتوں میں زیادہ اس میں چانسز نہیں ہے. ایم پی زیادہ چٹھی لکھ دے گا, شاید وہ مان لیں شاید نہ مان جائیں. کورٹ میں چلے جائیں تو وہ بھی آگے جج کی مرضی ہے, آپ کے حق میں فیصلہ کرے یا نہ کرے, وہ بھی ہائی کورٹ میں آپ کو لے جانا پڑے گا, جو کہ بہت ہی مہنگا روٹ ہے. تو بہرحال تو آپ پہلے آپ ایم پی کے پاس چلی جائیں, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو آگے ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتی ہیں. تو تیسرا آخری راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب لوگ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اگر آپ سارے لوگ تہیا کریں ہاں ہم فلان ڈیٹ کو پروٹیسٹ کرنے کو تیار ہیں, ہوم آفس کے سامنے ہمارے پیرنٹس کی اپلیکیشنیں ناجائز ریفیوز ہو رہی ہیں, تو ان کو کم از کم اپیل کرائی دینا چاہیے, تو میں آپ کے ساتھ ہوں, مجھے کنٹیکٹ کریں, آپ میں سے کون میرے ساتھ چلے گا. لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ سارے یہی کریں گے جی میں تو نہیں جاؤں گا, کوئی اور ساتھ جائے گا, تو وہ اور کوئی اب مجھے مل نہیں رہا ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی آپ بات کریں. ہلو. جی ہلو. جی آپ ٹیلی فون پہ بات کریں.
जी मैंने ये पूछना था कि मेरे अबू ने अप्लाई किया हुआ है आईएलआर के लिए इंडेफिनेट लीव और हेलो जी आप बात करें आपकी बात सुन रहे हैं और उसके 6 मंथ्स हो गए लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं आया तो यही पूछना था उनके बायोमेट्रिक्स हो गए हैं जी उनके बायोमेट्रिक्स हो गए हैं जी जी सब कुछ वो तो पहले 2 वीक्स में ही आ गए थे बायोमेट्रिक के लिए और उसके बाद फिर कुछ नहीं आया ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया असल में वहाँ 5-6 महीने का क्यू है आमतौर पर तो हम ऑफिस कहते हैं 3-4 महीने में फैसला कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली 7-8 महीने या कभी कभी उससे ज़्यादा देर हो जाती है तो बहरहाल अगर 6-1 महीने हो गए तब वेट करें थोड़े दिन और शायद चंद ही वीक्स में उनका फैसला हो जाएगा कॉल का शुक्रिया बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ जी फरमाइए जी हेलो जी बात करें जी सलाम वालेकुम सलाम जी मेरा जी मैं लाइव अभी चार जी बिल्कुल आप आने रहे जी मेरा क्वेश्चन ये है जी मैंने ना 2006 में आया था यहाँ ठीक और मैं स्टूडेंट वीजे पे था पीएचडी फिनिश किया है फिर मुझे पोस्ट डॉक्टरल एक्सटेंशन स्कीम में वीज़ा मिल गया था साल का तो उसके बाद क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर जो है वो स्पॉन्सर लाइसेंस ले रहे थे ले नहीं सके वो तो मैंने विद इन टाइम अपने वीज़ा एक्सपायर होने से पहले FLRO डाल दी थी एप्लीकेशन फैमिली के साथ था मैं दो बच्ची थी मेरी वो रिफ्यूज हो गई थी फिर हमने उसे चैलेंज किया जब उन्हें चैलेंज किया तो उन्होंने हमें राइट ऑफ अपील दे दिया अब राइट ऑफ अपील दे दिया तो अब मेरे 10 साल पूरे होने वाले हैं तो मैं ये पूछना चाह रहा था अपील क्या क्या हुआ है अपील अभी अपील की डेट नहीं आई है अपील की डेट नहीं आई है तो आपने लाइफ इन यू का टेस्ट पास किया है जी लाइफ इन यू के कर लिया जी आपके काम का शुक्रिया हाँ आपको 10 साल पूरे हो गए हैं तो इसमें पहला ऑप्शन ये है कि जब आपकी हेयरिंग डेट आए तो उस वक्त आप अन्य अगर आपने लाइफ इन यू के टेस्ट पास कर लिया है तो जज आपको ये कंसीडर कर सकता है कि आपके 10 ईयर पूरे हो गए हैं तो अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हो तो जज आपके हक में एज एक्ट एन होम ऑफिस आपके हक में फैसला दे सकता है तो इसके यही करें कि हेयरिंग डेट का वेट करें तो उसमें जाकर आप करें तो बहरहाल इस दौरान अगर न्यू एप्लीकेशन करें हम आपसे ये कहेंगे आप अपील विड्रा करें अगर विड्रा करें तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप रिक्वायरमेंट सारी पूरी करके हेयरिंग डेट पे जाकर जज को बताएं कॉल का शुक्रिया बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर कौन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी मैं इस कंट्री में 2005 में आया था इलीगल आया था ठीक है और मैंने यूरोपियन से शादी की थी 2009 में ठीक है शादी मेरी हो गई फिर डिवोर्स हमारी हुई तकरीबन 5 साल बाद तो अभी उन्होंने मेरा वीजा इंडेफिनिट मैंने अप्लाई किया तो वीजा मेरा रिफ्यूज कर दिया था उन्होंने ठीक तो रिफ्यूज कर दिया मैंने अपील की 1 साल बाद तकरीबन मेरी जो है ना वो हेयरिंग हुई उन्होंने मेरी अपील अलाउड कर दी है तो मुझे पूछना ये था कि टाइम कितना भी लगेगा अपील के बाद वो मेरा वीजा इशू करने में अलाउ कब हुई है जी नहीं कब अलाउ हुई है अबाउट 4 वीक्स हो गए हैं जी ठीक है आपकी कॉल का शुक्रिया असल में जब आपकी अपील अलाउ हो जाती है उसके बाद होम ऑफिस को राइट होता है कि उसके खिलाफ अपील अगर आपको ट्रैवल में करना चाहे तो कर सकता है लेकिन 5 वीक्स हो गए हैं तो इसका मतलब उन्होंने अपील नहीं की है तो आप वेट करें 1-2 वीक और उसके बाद आप होम ऑफिस को पुश करें कि आप मुझे स्टे लगा कर भेज दें तो तकरीबन 3-1 महीने में आपको परमिशन दे देते हैं 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें दे देनी चाहिए कॉल का शुक्रिया बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ जी फरमाइए जी जज ने कहा है क्योंकि मेरे बेस्टर ने उनसे कहा था कि इनके साथ जो है वो जाति इनका इसमें कसूर ह्यूमन राइट्स नहीं दिया जी आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है आप लैंडलाइन से फ़ोन करें या वहाँ से फ़ोन करें जहाँ पे रिसेप्शन अच्छा हो तो क्योंकि आपकी जो रिसेप्शन है वो सही नहीं है तो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तो आप दोबारा इसमें रिंग कर लें हमें नाज़रीन जब भी आप फ़ोन करें प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपकी ऐसी जगह से फ़ोन करें जहाँ पर रिसेप्शन क्लियर होना चाहिए बढ़ते अगले कॉलर की तरफ जी फरमाइए जी बात करें जी जी मुझे पूछना था डिस्क्रिप्शनरी लीव है मेरे पास ना ठीक है तो उसका मैंने पूछना था कि वो अगले अप्रैल में उसका आ रहा है एक्सटेंशन आ रही है तो उसके लिए क्या मुझे क्या जरूरी है आपको कब मिली थी डिस्क्रिप्शनरी लीव 2.5 साल की मिली थी 2 साल होने वाले ये पहली दफा मिली थी जी तो बच्चे कितने हैं आपके जी मैं सिंगल कितने सिंगल सिंगल है तो आपको किस बेस पे मिली थी मुझे ह्यूमन राइट्स बेस लॉन्ग रेजिडेंस ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया पहली बात ये कि अगर आप 10 साल के रूट के ऊपर हैं तो इसका मतलब है कि आप उससे
28 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप सेम डे भी जाकर इसकी एक्सटेंशन करवा सकते हैं। तो बहरहाल जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, अगर काम कर रहे हैं तो वो काम और बाकी जो पेपर रेलेवेंट हैं वो सबमिट कर सकते हैं, आप सेम डे भी एक्सटेंशन करवा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी जी आप बात करें। हेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, फरमाइए। जी मैं मलिक साहब से बात करनी थी। जी बिल्कुल आप आने यार बात करें। अच्छा मलिक साहब, मैं मेरा नाम डॉक्टर सलमान है, मैं टियर टू वीजा पर हूँ और अभी मेरा तीसरा साल है। तो बेसिकली मेरी मदर होती है हॉलैंड में, जो कि रिफ्यूजी स्टेटस पर है वहाँ पर। तो क्वेश्चन ये था कि क्या मैं उनका केस यहाँ पर ट्रांसफर करा सकता हूँ ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, और क्वेश्चन नंबर टू ये, अगर मुझे एक पर इंडेफिनिट मिल सकता है तो क्या मैं फिर मैं उन्हें यहाँ पे बुला सकता हूँ? उनकी एज कितनी है? उनकी एज जी अराउंड अबाउट 64 है अभी। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि अगर उनको वहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस मिल गया है तो एक कानून है कि आपका स्टेटस दूसरे किसी कंट्री में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो पहले तो विजिटर लोग आकर यहाँ से अपना स्टेटस चेंज कर लेते थे, ऐसा पॉसिबल था, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। अलबत्त वहाँ से वो अगर उनके पास ग्राउंड्स हैं उसकी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें उनकी वहाँ की जबान डच जबान नहीं आती है, या फिर उनका वहाँ कोई रिलेटिव नहीं है, या कोई भी जो सर्कमस्टांसेज हैं उस पर वो अपना जो रिफ्यूजी स्टेटस है उसको यूके में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ऐसा कानून है। दूसरी बात यह कि अगर आपको इंडेफिनिट स्टे मिल सकता है, मिल जाता है, तो उनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो, वो अगर यूके में आ जाती हैं तो फिर आप यहाँ से उनका केस भी फाइट कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछा था, मेरी बेटी की शादी करी थी पाकिस्तान, तो मैंने ये पूछा था कि अप्लाई जो करते हैं उसको बुलाने के लिए यहाँ से अप्लाई करना पड़ता है या पाकिस्तान से, और दूसरा ये क्वेश्चन था कितने महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है। तो आपकी शादी हो गई है बेटी की कि नहीं? डॉक्टर साहब वो दिसंबर में शादी है। दिसंबर में शादी हो गई जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब शादी हो जाएगी उसके बाद आप एनी टाइम अप्लीकेशन कर सकती हैं, वो अप्लीकेशन आजकल ऑनलाइन होती है कि आप ऑनलाइन अप्लीकेशन करेंगी, वो यहाँ से भी कर सकती हैं, वहाँ से भी कर सकती हैं। उसके बाद जो पेपर्स हैं तो वो अगर आप वहाँ देना चाहें वहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देना चाहें यूके में यहाँ भी आप स्पॉन्सर जो हैं यहाँ भी पेपर दे सकते हैं। तो शादी के बाद एनी टाइम अप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हों, यानी 18,600 ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बेटी की इनकम है, और वो जो लड़का यहाँ पर आने वाला उसने इंग्लिश टेस्ट पास कर लिया है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं 2008 में एक यूरोपियन लड़के के पास शादी नहीं किया, लेकिन हमने अप्लाई किया 2010 में, लेकिन उस पर फिर 5 साल का वीजा दिया, लेकिन जब 2015 में मैंने अप्लाई किया दिसंबर में, तो 2011 और 12 में मेरा पार्टनर ने काम नहीं किया, जो यूरोपियन पार्टनर है, तो उस लोगों ने जो पीआर है वो रिफ्यूज कर दिया। तो अभी मैंने वापस 5 साल के लिए अप्लाई किया, तो लड़की जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बस जो इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस वो भी हमारे 2 साल से। अभी अब लड़की के साथ रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं आप? तो अभी आपने एप्लीकेशन किया है कोई? हाँ मैंने एप्लीकेशन किया वापस 5 साल के लिए, जो रेजिडेंस कार्ड के वापस मैंने किया जून में, जो मैंने बायोमेट्रिक का भी दिया 1 महीना, 2 महीना पहले किया एक्सटेंशन के लिए कि इंडेफिनिट स्टे के लिए? नहीं इंडेफिनिट इंडिफरेंट के तो मैं किया, लेकिन वो तो रिफ्यूज हो गया ना। तो अभी एक्सटेंशन अप्लाई किया, अभी वापस मैंने 5 साल के लिए वो फिर अप्लाई किया। आपके कॉल का शुक्रिया, आपने अच्छा अप्लाई किया, आपका यही केस बनता था। तो वो जो केस था पहला इंडेफेंस थे आपका नहीं बनता था, क्योंकि उसमें शर्त यह है कि आपकी वाइफ ने 5 साल काम किया तो उसके पास 5P60 होते फिर आप अप्लाई कर सकते थे। तो अभी आपने बहुत अच्छा किया, अभी आपको 5 साल का और यहाँ पे स्टे दे देंगे, और वाइफ को कहें कि उसका रेजिडेंट परमिट भी अप्लाई कर दें अगर उसने अप्लाई नहीं किया। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन आज की मुलाकात बस इतनी, 1 घंटे का वक्त अब ख़त्म हो गया है, तो अगले वीक आप इसी प्रोग्राम को यहीं पर, अगले वीक में तो नहीं होंगे लेकिन मेरी जगह कोई और होंगे तो वो प्रोग्राम कंडक्ट करके आपके सवालों के जवाब देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, रब रखा।